जीवनोति अभियान यानी UMED के माध्यम से चंद्रपुर जिले में महिला स्व सहायता समूहों की बड़ी ताकत उभर कर सामने आ रही है। इस प्रकार के उत्सव का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों को उपभोक्ता प्राप्त कर सके। हालांकि वन सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगटीवार ने आश्वासन दिया है कि जिले में एक सुंदर अद्भुत एवं आकर्षक व्यवसायिक परिसर बनाया जाएगा ताकि इस स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों को स्थायी ग्राहक मिल सके। हालांकि वन सांस्कृतिक एवं मत्स्य पालन मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री सुधीर मुनगटीवार ने आश्वासन दिया कि जिले में एक सुंदर अद्भुत एवं आकर्षक व्यवसायिक परिसर बनाया जाएगा ताकि इस स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित उत्पादों को स्थायी ग्राहक मिल सके। वे चांदा क्लब ग्राउंड में संभागीय परस व हिरई महोत्सव का उद्घाटन कर रहे थे। विधायक प्रतिभा धानोरकर, किशोर जोरगेवार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक जॉनसन, सहायक कलेक्टर मारुगनाथ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर सुभाष पवार, उपायुक्त कमला किशोर फुताने, विवेक इल्मे आदि उपस्थित रहे। हिराई महोत्सव 2023 का सदिच्छा व शुभकामना। या ठिकाणी महिलांच्या बचत गटाच्या माध्यमातून आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत त्यांच्या वस्तूंना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, सर्वसामान्य ग्राहक व जनतेगा याचा फायदा घेता यावा या दृष्टीने या प्रदर्शनीचं उद्घाटन आज करण्यात आलं आहे। उमेदच्या महिलांच्या माध्यमातून महिलांची प्रगती होण्यासाठी सरकार पूर्ण शक्तीने त्यांच्या पाठीशी उभा आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये उत्तम मॉल बांधण्याची कल्पना इथं व्यक्त करण्यात आली। उमेदसाठी आणि विशेष करून बचत गटासाठी एक अप्रतिम मॉल हा इथं उभा केला। NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।